पहली बार आज के आपके स्टूडियो में आज मुझे मिला अवसर। देखिए, देश की जनता से मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि 11वें स्थान से अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पर लाए, 7.2% की जीडीपी ग्रोथ की, आईएमएफ ने ब्राइट स्पॉट कहा है, $2 trillion 60 साल में बने थे, आज उसमें 1.75 ट्रिलियन हमने जोड़ा है, 70 एयरपोर्ट बने थे उसमें हमने 70 एयरपोर्ट जोड़ा है, 11 किलोमीटर की रफ्तार से हाईवे बनते थे हमने 37 किलोमीटर की रफ्तार से हाईवे बनाए, 4 लाख किलोमीटर गांव के रोड बने थे हमने 3 लाख किलोमीटर उसमें जोड़ दिए, हमने 7 IIT 7 IIM 15 AIIMS हमने बनाए, हमने 320 यूनिवर्सिटी बनाई, हमने 700 से अधिक मेडिकल कॉलेज बनाए, हम मिशन और विजन पर काम करने वाले हैं और ये सारे फैमिली के प्रोफेशन, कमीशन, करप्शन, डिवीजन और मोदी के प्रति ऑब्सेशन वाले हैं। और अभी आपने देखा ना, ये सैंपल है, ये ट्रेलर है इनका, इनके हाथ में गलती से सत्ता अगर आ गई तो क्या करेंगे, कितना मार काट होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इस पे कितने गले कटेंगे आपके सामने हैं। ये एक नहीं हो सकते क्योंकि इनमें ना विचारधारा समान है, ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना नीयत है। और इसलिए मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। ये अब नीतीश जी पे आते हैं, नीतीश जी से पूछिएगा, वहां पे तो पुल वैसे ही गिर जाता है, पहले ही निर्माण होने से पहले जल समाधि ले लेता है। इनका पुल बनने से पहले विपक्षी एकता का मांझी जी तो नाव से उतर गए, इतना अपमान हुआ पिछड़े समाज का। फिर उसके बाद कृष्णा कुंतल, कौन है वो, कांग्रेस के प्रवक्ता, कहते हैं नीतीशवा के सामने सरेंडर कीजिएगा, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। अरे वो छोड़िए, अधीर रंजन चौधरी कहते हैं डेमोक्रेसी तो सब जगह ठीक है, बंगाल में इमरजेंसी लागू है, बताइए ये डेमोक्रेसी सेव करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद कौन बोलता है, उमर बोलता है आपके साथ मत गठबंधन कीजिए, आप बोलते हैं पंजाब दिल्ली छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश वाले भैया बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, एक दिन आएगा कांग्रेस बोलेगी मैं राजनीति ही छोड़ देती हूं। देवदास ने बोला था ना कि पारो ने बोला इसको छोड़ो, बाबूजी ने बोला गांव छोड़ो, उसने बोला हवेली छोड़ो, मैं जाकर दुनिया छोड़ दूं, तो ऐसे कांग्रेस भी एक दिन यही कहेगी कि मैं सियासत छोड़ दूं। हमें क्या फर्क पड़ता है, ये तो कांग्रेस की कुर्बानी वाला ये खेल चल रहा है, ये मोदी हटाओ का प्लान नहीं। अभी जो देखा ना, ये टारगेट पर आप ही हैं, लेकिन ये मत भूलिए ऐसा है, कॉमन टारगेट कॉमन है, दोनों एक दूसरे को आपकी भी टीम बता रहे हैं, ये 100 तो ए टीम हम हुए, हम तो ए टीम है, हम मान रहे हैं, और 2024 में भी हम ही ए टीम है, क्योंकि 9 साल में मैंने क्या कार्यक्रम किया है मैंने आपके सामने रखा ना, वो अपना 5 साल का राजस्थान का कार्यक्रम गिना पाते हैं, 19,400 किसानों की जमीन क्यों हड़पी गई, सबसे हाईएस्ट वैट राजस्थान में क्यों है, ये अपना 5 साल का नहीं गिना पाते, दिल्ली में 9 साल का नहीं गिना पाते कि क्यों यमुना जी साफ नहीं हुई, क्यों प्रदूषण से कुछ नहीं कर पाए, कितने शराब के ठेके खोले बता देंगे पर कितने अस्पताल खोले नहीं बता पाएंगे, इनसे पूछे पंजाब में वैट क्यों बढ़ाई, सबसे ज्यादा महंगाई पंजाब में इन्होंने क्यों करवाया, ये इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, इसीलिए मैं कहता हूं सब बाकी सब छोड़िए, ये पिछड़ों के आधार पर एक हो रहे हैं, पिछड़ों के आधार पर एक हो रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये है रिपोर्ट ओबीसी कमीशन जिसको हमने संवैधानिक दर्जा दिया कि बंगाल में ओबीसी का आरक्षण छीन कर एक समुदाय विशेष को दे दिया, राजस्थान के 7 जिले में ओबीसी आरक्षण का बेनिफिट किसी को नहीं मिला, पंजाब में 13% ओबीसी आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिला। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये पिछड़ा दलित आदिवासी विरोधी है, इसीलिए इनसे ओबीसी प्रधानमंत्री 40 रुपए लीटर पेट्रोल मांग रहा है देश, आपने वैट क्यों बढ़ाया पंजाब में बताओ, और गुजरात में पंजाब से कम है क्यों, उत्तराखंड में पंजाब से कम है देश बताइए, उत्तर प्रदेश में पंजाब से कम है क्यों बताओ, 40 में पंजाब में वैट बढ़ाना चमत्कार, और कोई बढ़ाए तो हमने तो दो बार काटा है, बहुत हुई महंगाई की मार, आप कम कर दो ना, क्यों नहीं किया केंद्र सरकार ने कम, हिमाचल के वादे पूरे ना करे, वो कर्नाटक में 200 ना दे, आप पंजाब का वेतन ना दो, वो हिमाचल में 15,000 लोगों को वेतन ना दे, और सवाल हमसे हमने दो बार एक्साइज काटा, पर सवाल आज ये है कि आप बताइए कि सोनिया गांधी भ्रष्ट की नहीं है, कुलदीप कुमार अगर आप आज अपने बातों पर कायम है, अगर अपने बातों पर कायम जाते अडानी से यारी, ये देश याद रखेगा, मेहुल चौकसी को भगाने वालों को याद रखेगा, ये देश याद रखेगा, नितिन संदेशों को भगाने वाले को याद रखेगा, ये देश सब देख रहा है। पंजाब में अडानी का प्रोजेक्ट कब कैंसिल कर रहे हैं, राजस्थान में अडानी का प्रोजेक्ट कब कैंसिल कर रहे हैं, रेलवे छत्तीसगढ़ में अडानी का प्रोजेक्ट कब कैंसिल कर रहे हैं, कुलदीप कुमार, और एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, कुलदीप की सोनिया गांधी भ्रष्ट है हाँ या ना,
अरे कुलदीप जी, रेलवे की हालत दिखा जो महंगा वाला एयरपोर्ट है उसमें मैं सवाल पूछ रहा हूं, सोनिया गांधी चोर भाई मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा, आपने भ्रष्टाचार का विषय उठाया ना, के सारे सोनिया गांधी राहुल लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कांग्रेस ने। अरे भाई साहब, अरे तुम ये बताओ प्रधानमंत्री भ्रष्ट है नहीं है, बताओ देश के नहीं है। अडानी को प्रधानमंत्री कतई भ्रष्ट नहीं है, अडानी जैसे भ्रष्टाचारियों को सिसोदिया जैसे भ्रष्टाचारियों को किसानों के तहत जेल में डालने का उनको सजा दिलवाने का काम आज हो रहा है सरकार के तहत। बताइए, बताओ ईडी की तो कार्रवाई का स्वागत आलोक प्रधानमंत्री ने केवल भाषणों के अलावा, आप बताइए सोनिया गांधी भाषणों के अलावा कुछ किया हो तो बताओ। अभी मैंने आपके अलावा कुछ काम किया हो तो बताओ। आलोक शर्मा को लाइए, आलोक शर्मा को लाइए, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो आलोक जी को लाइए, करानी है सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, दो दिन उसका इंटरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किस ने। अभी कुलदीप जी क्या सोनिया गांधी भ्रष्ट है, हाँ या ना? केवल इतना स्टैंड बता दो कि यू टर्न किया है कि सोनिया गांधी पे, हाँ या ना? मैंने कहा ना, मैं तो 2G 3G सब कहा, और मैंने तो ये कहा कि अडानी जी भी कहा, मैंने तो अडानी जी जिसकी दलाली आप लोग कर रहे हो, अडानी से यारी कर रहे हो, युवाओं से गद्दारी कर रहे हो। ओके, आलोक शर्मा को लाइए, अडानी से आलोक जी को लाइए, आलोक जी की बारी क्या कर रहा है अब, आलोक जी की बारी है, आलोक जी बोलिए। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है मानक जी जो मैंने कहा था कि दोनों के टारगेट पे कांग्रेस ही है, वो सच हो गया। अब मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं को एक बार चीज दिखाना चाहूंगा कि मणिपुर में क्या हो रहा है। आप यहाँ वो है, वहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है, ये मणिपुर की महिलाएं रो रही हैं, कह रही हैं कि बीजेपी समर्थित जो उग्रवादी हैं वो उग्रवादी संगठन बंकरों में घुसकर अटैक कर रहे हैं ओपनली। सब लोग वहां के जो लर्निड लोग हैं वो सब कह रहे हैं कि बीजेपी के समर्थित उग्रवादी, ऐसी स्थिति में वीडियो जो चला रहे हैं ये वेरीफाइड है, आपके ये वेरीफाइड होगी, ये वेरीफाइड है, की जिम्मेदारी होगी क्योंकि इनके पूरे सिस्टम ने ये वेरीफाइड है। म्यांमार का वीडियो भी ट्वीट किया है, सुनो आपने फैक्ट चेक करवाया है, म्यांमार मणिपुर के नाम पर चलाया गया है इकोसिस्टम, ये वेरीफाइड वीडियो है कि नहीं बताओ पहले, क्या आप बता सकते हैं आलोक जी जो आप चला रहे हैं वो क्या है और क्या ये वेरीफाइड है? ये एक नहीं, 100 वीडियो वेरीफाइड है, और ये म्यांमार का वीडियो मणिपुर का बताया था आलोक जी, आपके बीच में कभी नहीं बोलता अपने बड़े भाई। यार सुन तो लो ना यार, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं चुप हो जाता हूं। कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। बोलिए आलोक जी, पूरी करें अपनी बात, बोलिए बोलिए आलोक जी। मैं कह रहा हूं सैकड़ों वीडियो हैं, एक नहीं है सैकड़ों हैं, लेकिन मोदी जी मां नहीं बोल पा रहे मणिपुर का। दुर्भाग्य है इस देश का कि एक पार्ट को, एक हिस्से को मैरीकॉम जैसे स्पोर्ट्स पर्सन कह रहे हैं कि हमारा मणिपुर खून से लथपथ है, वो भी सर्टिफाइड और वेरीफाइड है कि नहीं, उनकी स्टेटमेंट जरा ये भी चेक करा लीजिए। दुर्भाग्य है कि वो ऐसा था, ये ऐसा था। अरे भाई 9 साल सत्ता में आपको हो गए, पूरे नॉर्थ ईस्ट में नागा अकॉर्ड हुआ, क्या हुआ उसका नहीं पता, आसाम और नागालैंड की पुलिस एक दूसरे को मार रही है गोलियों से। आप जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं उसी का रिजल्ट है ये। जो सकारात्मक काम केंद्र सरकार को करने चाहिए उस पर ध्यान दीजिए। सूत्र बता रहे हैं डीएम के नाराज है कि नहीं, वो नाराज है। 2024 है, जनता वोट देगी उसको भी देखेंगे, लोकतांत्रिक जो हमारे अधिकार हैं उन पर भी हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आप मणिपुर को क्यों भूले बैठे हैं, ये देश की जनता, इस हिंदुस्तान के मीडिया से भी पूछना चाहती है, और हम भी पूछना चाहते हैं सरकार से कि मोदी साहब आप चले गए वहां पर जाकर आप इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, सोचिए जो लाखों लोग वहां पर बेघर पड़े हैं मणिपुर में, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। आप प्रधानमंत्री हैं, आप जाएं अमेरिका, सब कुछ करें, लेकिन आज लगभग 70 दिन हो गए मोदी साहब आपका एक ट्वीट नहीं आया, सैकड़ों लोग मर गए, 5 लोग फ्रांस के शहजाद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आलोक जी, आप ट्वीट कर देते हैं उसके बाद मणिपुर पर शहजाद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब मुझे देखिए इंटरप्ट ना किया जाए, आज ही की बात है, ये ट्वीट जिनको लगता है ट्वीट से दुनिया और देश चलता है, उन्होंने म्यांमार के वीडियो को मणिपुर का वीडियो दिखाकर पूरे देश में आग लगाने के लिए ट्वीट किया, उसके लिए माफी कौन मांगेगा। अच्छा बात करते हैं आलोक जी, मैं आपको बताता हूं पिछले कई वर्षों में जो आप 50 वर्ष में नहीं कर पाए, ब्रू रियांग अकॉर्ड किसने साइन किया, बोडो अकॉर्ड किसने साइन किया, असम मेघालय अकॉर्ड किसने साइन किया। 50 वर्षों की यह समस्या है, कोई कल की समस्या नहीं है। मणिपुर में इतिहास रहा है 3-3, 4-4 साल वो ब्लॉकेड रहा है आपके शासनकाल में, और आज मैं आपको आंकड़ों के सहित बताता हूं, ये सारी घटनाओं के बाद भी इंसिडेंट्स बिटवीन 2006-14 8700, आज 63% फॉल इन इंसिडेंट्स, सिविलियन डेथ्स 1890 2006-14, आज
419 एक भी नहीं होना चाहिए, यह हमारा संकल्प है। पर जिन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट को बम और ब्लॉकेट के हवाले छोड़ दिया था, हर चुनाव ऐसा होता था जहां पर बम और ब्लॉकेट की बात होती थी। आज वहां पर तीन चुनाव संपन्न हुए, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, एक बम ब्लॉकेट की बात नहीं हुई। हमें गर्व है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री ने 50 बार दौरा किया है, हमारे मंत्री हर हफ्ते वहां जाते हैं। आपके तो आसाम से प्रधानमंत्री थे फिर भी वो नहीं जाते थे, पर मैं आज उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि स्थिति बहुत ही विस्फोटक है और आपके लोगों ने उसमें केवल घासलेट डालने का काम किया है। म्यांमार का वीडियो दिखाते हैं, आपको इतनी चिंता है? एक सेकंड, इतनी चिंता है ना? अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को बंगाल की सरकार के तहत मारा गया वहां पर बंगाल में। एक ट्वीट राहुल गांधी का दिखा दो, राहुल गांधी की जुबान नहीं खुल रही, कांग्रेस का कार्यकर्ता मारा गया है, उसकी लड़ाई भी बीजेपी लड़ रही है। कूच बिहार में मारा गया, बंगाल में पंचायती चुनाव होते हैं, कोई चुनाव होता है हिंसा के बिना चुनाव नहीं होता है, हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं और आप उनके साथ। वहां पर तो कुश्ती और पटना में दोस्ती, राजस्थान में कुश्ती, पटना में दोस्ती, पटना में दोस्ती। आलोक शर्मा, ये कुश्ती दोस्ती वाला मॉडल छोड़िए आलोक जी, अगर आपके दिल में एक बीज भी है अपने कांग्रेसियों के लिए, बताइए अधीर रंजन चौधरी सही बोले? आलोक जी बोलिए, अधीर रंजन चौधरी के बारे में बताइए। आलोक शर्मा बोलिए। आलोक जी सुनिए ना भाई, जरा सुनिए ना जरा, ये मोदी जी की कल की मन की बात थी और उसके बाद मणिपुर के लोगों का मन की बात के ऊपर कितना विरोध है ये भी जरा देख लीजिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, फलाने ने कहा, ढिकड़े ने कहा, देश के प्रधानमंत्री का इस तरह से उनके मन की बात का अपमान हो अच्छा लगता है? वापस आता हूँ मैं, 2004 से लेकर 2014 तक हमारी सरकार रही। आप मुझे केवल ये बताइए कि किसी दो राज्यों की पुलिस ने आपस में फायरिंग करके गोली मारी हो तो एक इंसिडेंस बताइए। आपके यहाँ पर 4 इंसिडेंस इस तरह के हो गए। आप मुझे बताइए 2001 में जुलाई का महीना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, इसी मणिपुर की विधानसभा को जला दिया गया था, क्या ये सच है कि नहीं? जब जब आप पावर में आते हैं तो नॉर्थ ईस्ट क्यों जलता है, हम केवल ये जानना चाहते हैं। और अगर नहीं जला है तो और जलवा दीजिए भाई, अभी तो आप मानने को तैयार नहीं है। आप तो कह रहे हैं इंसिडेंट्स वहाँ कम थे, यहाँ ज़्यादा थे। अरे भाई मणिपुर जल रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उस पर जो कदम उठाने चाहिए सख्त से सख्त कदम उठाइए। वहाँ पर आप एक ऑल पार्टी मीटिंग तक नहीं बुला पाए, आपकी सरकार है राज्य में भी केंद्र में भी, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का क्या आपका फर्ज नहीं था? वहां पर पहली बार सरकार बनी है चोरी की, वो भी मुझे लगता है कि कम से कम जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका पालन करते हुए सेंटर में भी बुलानी जानी चाहिए थी, वहां पर भी बुलाई जानी चाहिए थी। लेकिन वहां के लोग चिल्ला चिल्ला के करें कि ये जो हिंसा है ये बीजेपी प्रायोजित, ये विषय था नहीं डिबेट का, पर अगर इस पे डिबेट बीजेपी प्रायोजित है। मणिपुर पर एक लास्ट कॉमेंट ले लीजिए, सिक्किम को कब जोड़ा गया? माने जी, माने एक सेकंड आप चुप रहिए, एक सेकंड मुझे बात पूछने दीजिए। सिक्किम को कब पूरी तरह से इंटीग्रेट किया गया? 47 में आजादी मिली। आलोक जी जरा बताइएगा, नॉर्थ ईस्ट की बड़ी चर्चा करते हैं, बताइए, गूगल मत कीजिए, आपको तो पता ही होगा, इतने ज्ञानी है आप। 1975 में वहां से किंग को डिपोज किया गया। मैं बताता हूं, ये 47 से लेकर 75 तक हमारे देश के अलग अलग हिस्सों को इंटीग्रेट नहीं कर पाए, ये हमें ज्ञान दे रहे हैं। अब छोड़ दीजिए इस बात को, मैं आता हूं मुद्दे पर। ये बताना था ना, ये वीडियो देखिए, ये कांग्रेस का हाल है। मानक जी मैं उत्तर दूंगा, आप उत्तर देते रहिए, देश को भी उत्तर दीजिए। ये कौन सा वीडियो है, क्या है ये? चेयर कुर्सियां फेंक रहे हैं कांग्रेस वाले एक दूसरे पे। कहां? ये मुंबई का वीडियो है, मुंबई की, वहां पे श्रीनिवास गए थे, श्रीनिवास जी गए तो चेयर वेयर फेंक कर उनको भगा दिया वहां से। कहां तो कांग्रेस का तो ये हाल है कि ये ना अपने आप को एक यूनाइटेड कर पा रहे। ओके आलोक जी, आपकी बारी है, उसके बाद आगे भी जाना है। बृजमोहन श्रीवास्तव भी आ गए, मेरी बात, मुझे कुलदीप को भी टाइम देना है। बृजमोहन जी, संजय कुमार भी, अपने कार्यकर्ताओं को गहलोत पायलट को एक नहीं कर पा रहे, देखिए मुझे लगता है, और वो सिद्धरमैया को एक नहीं कर पा रहे, वहां पे चाचा भतीजा एक नहीं हो पा रहे, और देश में विपक्षी एकता का पूरा मंच तैयार करने की बात। आलोक शर्मा ऑलराइट बोलिए, आलोक जी बोलिए। मानक जी देखिए, चाचा भतीजा एक नहीं हो पा रहे, श्रीनिवास पर चेयर फेंक दी, और सचिन पायलट और गहलोत जी एक नहीं हो पा रहे, बीजेपी कह रही है इसलिए मणिपुर जल रहा है, क्या तर्क दे रहे हैं आप? हम कह रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई, ये कह रहे हैं श्रीनिवास पे चेयर फेंक दिया। अरे भाई कौन सा लीडर ऐसा है कांग्रेस में, बीजेपी में, आपस में कौन सी प्रदेश की कमेटियां ऐसी हैं जहां पर झगड़े नहीं हुए? तमाम एग्जांपल हमारे भी हैं, आपके भी, इसमें कहीं कोई नई बात है क्या? आपस में गुट होते हैं, ग्रुप होते हैं, सारी चीजें होती है, राजनीति इसी का नाम है। अच्छा। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, तो पायलट को एंटी पार्टी एक्टिविटी क्यों कहा? घुसकर बैठा है पायलट को एंटी पार्टी एक्टिविटी क्यों कहा?
अरे छोड़ो ना, अरे छोड़ो, हमारा घर का मामला हम निपट, एकता की बात करने वाले वहां पर हम निपट लेंगे, भर भर के गालियां देने वाले, विपक्षी एकता में मणिपुर की बात कर रहा हूं, निकाह फरमाने वाले, छोड़ो भाई, अपने पार्टी के लोगों को आप एक नहीं कर पाते, विपक्षी एकता का ही विषय है। 23 तारीख के बाद आज विषय इसी का है, मैंने उसका उत्तर शहजाद जब फंसते हैं ना तो आप बीच में बोलना शुरू कर, बोलिए आलू जी बोलिए, शहजाद जब आप उसके पास उत्तर नहीं होता तो आप बीच में बोलने लगते हैं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं, मैं बोलते हैं फैक्ट पर बात करने को तैयार हूं, मैं मुद्दे पर बात कर रहा हूं, मैं मुद्दे पर ही कर रहा हूं। आपने कहा कि शहनवाज श्रीनिवास पर ये हो गया, फलाने पर ये हो गया, ये मुद्दा था क्या आज का मुद्दा? ये आपका कैसे बनाओगे मुद्दे से आप एक नहीं हो पाओगे? क्यों? क्योंकि मन, अरे भाई सुनो ना, सुने ना, अरे सुनिए भाई, एकता बनेगी और एकता खूब अच्छी बनेगी, और मोदी जी इस बार दिखा नहीं रहे। स्टार्टिंग में मुद्दा आज का आपकी एकता, जहां मणिपुर है, मणिपुर में, अरे भाई सुनो, आज का टॉपिक है क्या? कुलदीप को हम नहीं मान रहे हैं अपने साथ, कुलदीप आपके साथ है, आपको मुबारक, आप अपनी गोदी में बैठा कर रखिए, हम तो उनके खिलाफ कोई आपत्ति नहीं, आप तो उनको सरेंडर करके सब कुछ दे, अरे भाई सुनिए ना, पंजाब में आ जाओ, हम दे देंगे पंजाब आपको, नहीं नहीं आप इधर भी आ जाओ, दिल्ली भी आ जाओ, दिल्ली दे देंगे सबको, लाइए जरा स्क्रीन पर, मानक जी क्या मतलब है यार, एक ही आदमी बोलता रहेगा क्या यार, मानक जी बोलिए, आलोक जी बोलिए, नहीं मुद्दा क्या है मानक, नहीं मानक जी कौन सा तरीका भाई, बोलने दीजिए बोलने दीजिए, नहीं तो फिर मुद्दा ये भी होगा, ओबीसी ओबीसी आरक्षण, मतलब एक आदमी स्टूडियो बैठा तो हर चीज बोलता रहेगा यार, क्यों नहीं बोल रहे, दिस इज रॉन्ग, उनको बोलने दीजिए आरक्षण पर, उनको अपनी बात कहने दीजिए आप, वो जैसे भी कहना चाहे, वो नहीं, गलत बात है ना यार, हर चीज में बोलना, हर चीज में बोलना, अच्छा मैं किसी के बीच में नहीं बोला मानक, नाराज मत होइए, एक सेफोलॉजिस्ट साहब भी बैठे थे, इनसे मणिपुर का भी पूछिए अगली बार, मणिपुर का नहीं नहीं मैं नहीं मैं वैसे कह रहा हूं, जी का दर्द सफल जी साहब से पूछिए मणिपुर में अगली बार किसकी सरकार बनेगी, ये जरूर पूछिएगा, मोदी जी कह रहे हैं यूक्रेन और रशिया का युद्ध मैंने रुकवा दिया, मतलब बीजेपी के इनके लोग कह रहे हैं नड्डा साहब और तमाम लोग, और मणिपुर जलने से रोका नहीं जा रहा, हम सवाल नहीं पूछेंगे क्या? आप फेक वीडियो डालना, मुझे लगता है कि आज के ज्वलंत जितने मुद्दे हैं, ये सरकार हमेशा भागती है, और इन तमाम मुद्दों पर केजरीवाल जी हमेशा इनका साथ देते हैं, इसलिए हम कहते हैं बी टीम है, और ये पूरी डिबेट में सिद्ध हुआ है, दोनों के टारगेट पे, बिल्कुल बोले।